येलो हेलो हाँ बोलो शारदा जी किरण को दीजिए ना किरण बेटी किसी जरूरी काम से रामपुर गई हुई है वहाँ जल्दी से फोन नहीं लगता आते ही बात कराता हूँ मुझे आपकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा है आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं अरे पागलों की तरह कुछ भी मत सोचा करो वहाँ फोन नहीं लगता तो इसमें मेरी क्या गलती आपकी बात आप ही जाने मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा चाय गरम है ना एक मिनट गरम है पी सकते हैं मैं इस झूठी चाय का बिल विल नहीं देने वाला ऐसा घटिया होटल एक मिनट ये क्या बनाया है तुमने गुलाब जामुन खाते वक्त हनीमून की रात याद आनी चाहिए है ना जेंटलमैन नहीं नहीं अच्छा दे दो दो आपका झूठा हम क्यों खाएं बिल आपको ही देना होगा अरे ये क्या बात हुई जो ऑर्डर करता है उसी को बिल भरना पड़ता है यही तो सिस्टम है ओए मैं कब से देख रहा हूँ तुम हर चीज को झूठी करती जा रही हो खुद को सबरी समझती हो क्या ओए क्या बोल रहा है मेरे साथ अरे तुरे से बात करता है तू क्या खर्चा पानी कैसे बात कर रही हो झोपड़पट्टी से आई हो क्या हे भगवान तू तो गाली दे रहा है गाली कब दी ऊपर से हाथ भी लगा रहा है एनी प्रॉब्लम ये है प्रॉब्लम औरत उसे बात करने की तो तमीज नहीं है अरे तुरी से बात करता है तू खुद को होटल का मालिक समझता है क्या किससे कैसे बात करनी है तुझे पता नहीं है क्या मेरी बात सुनो सर ये मैडम दिखने में बहुत बड़े घराने की लगती है लल्लू सर पर मुझे नहीं लगती देखा देखा आपने अब ऐसा बोल रहा है तो पहले क्या कुछ नहीं कहा होगा बहुत कुछ कहा होगा इसकी तो खैर नहीं चल निकल रुक जाओ सर आप नाराज मत होइए उसने कोई गलती नहीं की है आपसे मजाक करने के लिए हमने एक छोटा सा नाटक किया था वो देखिए कैमरा सर मैं स्टार माइनस चैनल से आई हूँ अच्छा ये कितने साल से यहाँ काम कर रहा है 5 सालों से देखा 5 साल से काम करने वाले पर यकीन करने के बजाय 5 मिनट पहले आए कस्टमर पर यकीन कर रहे हैं ये गलत है ना मजदूरों और मालिकों के बीच के विश्वास को स्ट्रांग बनाना ही हमारे प्रोग्राम का उद्देश्य है अच्छा कैमरा को देखकर टेक इट इजी कहिए टेक इट इजी सर होटल प्रोग्राम सक्सेस और कल गोविंद कोऑपरेटिव बैंक मैनेजर को डरा कर पैसे लूटने हैं ये काम हो जाएगा सर कल का प्रोग्राम फिक्स बैंक मैनेजर को लूटने का प्रोग्राम है ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है क्या रे कल सुबह तैयार रहना कि कल मुझे हॉस्पिटल जाना है अपने भाई को भेज दूंगा ए, कम यार सीनियर को सलाम करना चाहिए इतनी भी अकल नहीं है क्या तुझे बदतमीज कहीं का कस्टमर को सलाम करने का काम वॉचमैन का है सर अच्छा तो तू मुझे कस्टमर समझ रहा है सर आप सर इस तरह आपको पहले कभी नहीं देखा आज अचानक सर कैसा दिखता हूँ पहले तो लंगूर लगता था अब एकदम झिंगुर लगता है सर मैं थोड़ा बिजी हूँ बाद में बताऊँ क्या नॉनसेंस जा चलो 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 आओ ओ जी बैठो आपने मुझे इतने सारे जेवर पहन कर आने के लिए कहा ना आखिर बात क्या है 5 मिनट के लिए थोड़ी शांति से बैठो हमारे बैंक में एक बड़ा चमत्कार होने वाला है हाँ ठीक है बेटा दोनों को दिलाऊंगी मेरा नाम है भाग्यलक्ष्मी और मैं यहाँ किस लिए आई हूँ पता है मुझे डराकर पैसे लूटने के लिए क्या सर आपको कैसे पता चल गया पैसे मांगोगी अगर मैं नहीं दूंगा तो चाकू दिखाओगी एम आई राइट तो नहीं कहता तो भी चाकू जरूर दिखा दी इज्जत से रोकड़ा निकाल ओ जी ए गोविंद स्वामी जी सर कैशियर से जाकर बोलो कि मैंने 1 लाख रुपए मंगवाए हैं मगर क्यों सर जितना कहा उतना करो ठीक है सर सर मैं एक चोर हूँ कसम से और मैं हूँ यहाँ का मैनेजर सर हाँ एक्सक्यूज मी ये दिखने में बिल्कुल चोर जैसी लगती है जरा बचकर रहिए तुम अपना मुंह बंद करने का क्या लोगे जो आप देंगे आई से गेट आउट साला रोएगा सर मैं सच में लेकर जाऊंगी हाँ मैंने सचमुच ले जाने के लिए दिया है ओ जी ये क्या है आप ये क्या कर रहे हैं अरे जरा शांत रहो चलो इधर आओ जरा उधर देखो क्या है ओ जी वो तो हमारी शूटिंग कर रहा है टीवी के प्रोग्राम के लिए
अब मैं समझी, मैं अच्छी दिखूं इसलिए आप मुझे ये जेवर पहना कर यहाँ लाए ना। यस। ओ जी, तो फिर मैं भी ये जेवर दे देती हूँ इसे। हाँ, नहीं 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 नहीं। क्यों जी, आप तो पैसे देकर अच्छे आदमी बन गए, मुझे भी ये जेवर देकर अच्छा बनने दीजिए ना। अरे बेवकूफ कह के। नहीं 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 नहीं, मुझे पैसे मिल गए बहुत है। इतने प्यार से दे रही है। हाँ। तो ले लूँ क्या? अपने बाप का क्या जाता है, रख लो। अच्छी बात है। ये लीजिए सर, मैं वापस नहीं आऊंगी। हाँ नहीं आना, कैरी ऑन। कहाँ कहाँ से चले आते हैं। एक मिनट, क्या बाहर आके लूँ क्या? मेरे पास छुट्टा नहीं है। अरे क्या बड़बड़ा रहा है तू? अभी जो आई थी वो कौन है जानता है क्या? स्टार माइनस चैनल की है वो। मुझे बकरा बनाने आई थी वो यहाँ, मैंने उसे ही बकरा बनाकर भेज दिया। मैं तो अंगूठा छाप हूँ, लेकिन आप एक पढ़े लिखे गवार हैं। मैं रोज टीवी देखता हूँ, स्टार माइनस नाम का कोई चैनल नहीं है। आपका सर सपाट देख कर उस पर अच्छी तरह गोबर मलकर रंगोली बना के चली गई। अरे लल्लू कहीं का, जरा उधर मुड़ के देख, कैमरामैन हम लोगों की शूटिंग कर रहा है। इस संडे को हमारा प्रोग्राम पूरे देश में देखा जाएगा, समझा? संडे आपका प्रोग्राम देखने की बात छोड़िए, आपके माथे पर एक कलर कम हो गया है, लगा लीजिए। अरे लल्लू कहीं का, उस ऑटो में तुझे कैमरामैन नहीं दिखता क्या? अरे चुप रहिए सर, वहाँ कोई कैमरामैन नहीं है, वो ऑटो 3 दिन से बिगड़ी पड़ी है। तो वो कौन है? खतरनाक चोरनी, देवगिरी पुलिस थाने की वांटेड फिगर। आप यहाँ नए आए हैं ना सर, इसलिए लुट गए। हे भगवान, मेरे सारे जेवर, मेरे 1,00,000। श्री भद्र मारवाड़ गोविंद गोविंद। दीदी, आपके साथ काम करने से पेमेंट के मामले में कभी धोखा नहीं होता। ये क्या दीदी, इतना ही बहुत है? चल निकल अब यहाँ से, और कल चोर बाजार में मिलना। ओए, एक साए की तरह मेरे पीछे क्यों पड़ा है? क्या है, क्या है तेरा प्रॉब्लम? हाँ, वैसे दिखने में तो पुलिस वाले लगते हो। हाँ बेटी, मैं पुलिस वाला हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी पुलिस वाली हो। लगता है तू बुढ़ापे की वजह से सठियाता जा रहा है। अब सुन, मैंने पुलिस का, लॉयर का, वॉचमैन का, वार्ड बॉय, और सिर्फ इतना ही नहीं, MLA, MP, प्रधानमंत्री सबका भेस बदला है पापी पेट के लिए। यार तुम किसी और को ढूंढने निकले होगे और पहुंच गए मेरे पास। अरे कट ले यहाँ से यार। नहीं बेटी, मैं यहाँ तुम्हें ही ढूंढने आया था, अपनी बेटी को। हा? बेटी? हाँ बेटी, तुम मेरी बेटी हो, किरण बेदी। किरण बेदी, वो कौन है? दादा साहब। काय जाला रे? किरण बेदी को हमारी इस जगह का पता चल गया, वो यहीं आ रही है साहब। ए साला रे, सगर शटर बंद करा।